الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ प्रोग्राम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर के साथ खुश आमदी माशरे की دینی ज़रूरियात से मुतक ये अहम प्रोग्राम पेश ख़िदमत है नाजरीन इस प्रोग्राम में हम आपके सवालत मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब की खिदमत में रखते हैं और मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब कुरान और हदीस की रोशनी में इनके जवाब इनायत फरमाते हैं नाजरीन आज की हमारी गुफ्तु का मौजू है नीयत हदीस शरीफ़ का मफहूम है इन नलो बिन नमाल कदार मदार नीयतों पर है और नीयत करने से एक आदत इबादत बन जाती है और उलमा फ़रमाते हैं मोमिन की नीयत को इसके अमल से भी अच्छा कहा गया है नाजरीन आप भी अगर सवाल पूछना चाहें तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारा ईमेल एड्रेस है इन्फो एट तहज़ीब टी वी डॉट कॉम इसी के साथ मैं सवालात का सेशन शुरू करता हूँ मेरी मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब की खिदमत में गुज़ारिश है कि वो नीयत की इस्लाम में अहमियत पर मख्तर रोशनी डालें बस्मिल नमदून सल्सोल करीम्मान करीम के अंदर और अहादीस तजुबा के अंदर नीयत से मुतक अल्लाब्लत और सरकार दोआम सल्हलम के ग़ैरमूली इर्शादात वाज तौर पर हमें नज़र आते हैं कर्न करीम के अंदर अल्लाह रब् लज्ज़त ने जहाँ मुनाफिकीन का तस्करा फरमाया वहाँ ख़ास तौर पर नीयत का तस्करा आता है और उसमें अल्लाह रबत ये बात अरसात फरमाते हैं कि इनकी नीयत खराब है इनके इरादों के अंदर नीयतों के अंदर फ़तूर है ये ऊपर कुछ अंदर कुछ हैं अगर गौर किया जाए तो मुनाफिक का बुनियादी मर्ज़ क्या होता है मुनाफिक की बुनियादी खराबी क्या होती है अगर आप डीपली जा कर के इसमें गौर करें तो आपको पता चलेगा कि मुनाफिक का जो सब से बड़ा मर्ज है और मुनाफिक की जो सब से बड़ी खराबी है वो नीयत की खराबी है इसलिए कि वो ये चाहता है कि मैं आगे वाले मुखातब को तकलीफ़ पहुँचाऊँ वो ये चाहता है कि मैं उसको अजियत पहुँचाऊँ ऊपर से कुछ दिखाता है और अपने अंदर में वो कुछ और इरादे रखता है तो ये ऊपर से कुछ इरादा जाहिर करना अंदर में कुछ और इरादे का ज़ाहिर करना यही नीयत की खराबी है इसको ज़ाहिर के नीयत का फतूर कहा जाएगा हमारे यहाँ माशरे के अंदर ये बात मशहूर है कि मश्रक़ को सबसे बड़ा अजाब दिया जाएगा क़र करीम के अंदर ये बात हमें नहीं नज़र आती क़र करीम से जो बात हमें मिलती है वो ये कि सबसे ज़्यादा सख्त तरीन अजाब बदतरीन अजाब गलीज तरीन अजाब अगर किसी को दिया जाएगा तो वो मुनाफिक है। अल्लाह रब्बुल रब्ज़त ने पाँचवें सिपारे के आखिर के अंदर ये बात इरशाद फरमाई इन्नल मुनाफिकीन मुनाफिक दरकिल असफल मिनन्नार रब्बुल रबत फ़रमा रहे हैं कि जहन्नम के सबसे ज़्यादा निचले तरीन तबके और दर्जे के अंदर मुनाफीन होंगे इनकी नीयत बद पर अल्लाह रबुज़त ने पूरी एक सूरत उतारी है उस सूरत का नाम सूरतमनाफिकून है तो मकसद कहने का ये है जहाँ तक शर्क का ताल्लुक़ है मुशरक़ का ताल्लुक़ है उसके बारे में अल्लाह रब्ज़त ने जो कानून बयान फ़रमाया है वह यह कि नालाय फिर शरा कभी वक़्फ्रो मादून हजाल कलीमयशा बेशक अल्लाह रबु लज़त इस बात को कभी माफ़ नहीं करते कि उसके साथ किसी को शर्क ठहराया जाए शिरक़ को अल्लाह रब्ज़त माफ़ नहीं करते उसके अलावा जिस गुनाह को अल्लाह चाहेगा माफ़ फरमा देगा तो शिरक कभी माफ़ नहीं होगा शिरक कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा उसके बारे में ये वहीद लेकिन सख्त तरीन सबसे ज़्यादा बदतरीन अजाब किसको दिया जाएगा वो जो हकीकी दर्जे का मुनाफिक होगा उन मुनाफिकीन को सख्त तरीन अज़ाब दिया जाएगा जैसे कि आयत मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है तो असल बात यह है कि मुनाफिकीन का तस्करा करके इसी तरह कई और मकामात पर अल्लाह रबुल्ज़त ने इबादत का तस्करा करते हुए भी नीयत का इरादा नीयत का ख़ास तौर पर तस्करा फरमाया और नीयतों की असलाह पर ज़ोर दिया आपने जो हदीस सेंटरों के अंदर पढ़ी है इनमियात ये बुखारी शरीफ़ की रिवायत है और बड़ी दिलचस्प बात यह कि सै बुखारी की इब्तदा भी तकरीबन नीयत से ही होती है नीयत के मुतक हदीस से है और ये हदीस बिल्कुल इब्तदा के अंदर आई है कि तमाम के तमाम आमाल का दारोमदार नीयत पर है आगे आप सल्ला वसलम ने फरमाया फ़ मनकानत हिजरत इला व रसूली फ़ हिजरत हो रसूली जिसकी हजरत जो दुनिया के अंदर हिजरत कर रहा है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ तो गोया के अल्लाह और उसके रसूल की नजर में भी वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए ये कुर्बानी दे रहा है अमन कानत हजरत इलामरा युसीबा फिजरत इलाम हाजरा मनकानत हजरत अला दुनिया और इमरातीसी बुहा हजरत अला माहा हाजर जो हिजरत करेगा दुनिया के लिए जो हिजरत करेगा किसी खातून को हासिल करने के लिए तो फिर जो वो इरादा कर रहा है जो वो नीयत कर रहा है उसकी हिजरत उसी के खाते के अंदर शुमार होगी वो गोया के यही मकसूद होगा और उसके ऊपर कोई अलीहदा से अजर षवाब नहीं मिलेगा इसलिए कि उसका हसूल दुनिया और दुनिया को हासिल करना मादा परस्ती माल जर जन जमीन औरत ये हासिल करना उसकी नीयत के अंदर है तो ये हदीस जो रसूल सल्हे वसम सै बुखारी के अंदर इशात पर हैं इसका मकसूद भी ये है कि नीयत पर सारे के सारे अमाल का दारो मदार होता है आपने एक बहुत अच्छा जुमला कहा कि नीयत के जरिए से आदत इबादत में तब्दील हो जाती है ये कैसे होता है देखें कोई भी अमल जो आप करने जा रहे हैं उस अमल के पीछे कार फरमा उस अमल के दाई उस अमल के आ, का जो मोटिव है उस अमल का जो पीछे मुहर्रिक और सबब है वो दो में से कोई एक काम हो सकता है अब हर इंसान का दिल मुफ्ती है हर इंसान का दिल बर अल्लाह रबुल्ज़त के कब्जा कुदरत के अंदर है दिल का मामला अल्लाह रब्ज़त के साथ है। अब आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अलीमु सुदूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सीनों के तमाम भेदों को जानता है तमाम अहवाल को जानता है मैं एक आदमी के पास जाता हूँ और मैं जा के उसके साथ खातिर खातर तवाजों से पेश आता हूँ मुस्कराहट के साथ पेश आता हूँ मैं उसके साथ बहुत अच्छे अंदाज में बातचीत करता हूँ मैं उसके लिए कोई हदिया पेश कर लेता हूँ मैं उसकी तारीफ करता हूँ अब सवाल ये कि ये जो मैं हुसन सुलूक के साथ पेश आ रहा हूँ इसके बैक में इसके पीछे मेरे बैक ऑफ दी माइंड में कोई ना कोई वजह होगी कोई ना कोई रीज़न होगा कोई ना कोई सबब होगा अगर तो रीज़न ये है कि ये मेरा एक मुसलमान भाई है मैं इसकी इज्जत करना चाहता हूँ ये एक मोमिन आदमी है ये एक अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला है या ये अल्लाह का वली है मुतकी है परहेज़गार है ये एक आम मुसलमान भी है लेकिन मेरा इरादा ये है कि चूँकि मुसलमानों के साथ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशगवार ताल्लुक रखने की तरगीब दी है उसने सलूक करने का हुक्म दिया है अच्छे अखलाक़ के साथ पेश आने का मुझको ताकीदी हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया मैं इस बुनियाद पर उसके साथ अच्छा ताल्लुक करता हूँ अच्छा उसने सलूक का

रहमान रहम करने वालों पर रहमान भी रहम करता है इमो यर हम कुमन फिल, मन फिल समा। तुम जमीन वालों पर रहम करो आसमान वाला तुम पे रहम करेगा तो ये वो वाला मामला है और अगर मैं किसी के साथ उसने सलूक का मामला करता हूँ और मेरे बैक ऑफ दी ग्राउंड में मेरे जहन के अंदर मेरी नीयत और मेरे इरादे के अंदर ये बात है कि मैं इसलिए इसकी तारीफ कर रहा हूँ कि खुशामद मकसूद है मैं इससे कुछ दुनिया का मफाद हासिल करना चाहता हूँ या मैं ऊपर ऊपर से तारीफ़ कर रहा हूँ अंदर उसके बारे में बुराई के जज्बात रखता हूँ वो हट गया तो मैंने अपने कम्पेनियन और अपने क़रीबी रफ़ा के सामने उसकी बुराइयाँ की वो सामने आ गया तो मैंने तारीफें करना शुरू कर दी या ये है कि मेरा मकसद ये है कि मैं इससे कोई मफाद हासिल कर लूँ तो अब ऐसी सूरत के अंदर ये जो मैंने काम किया इसके ऊपर कोई अजर नहीं मिलेगा उल्टा बहुत सारी शक्लों और सूरतों के अंदर ये गुनाह का मामला होगा आप नाजायज़ खुशामद कर रहे हैं वो हराम का मरतकब करने वाला आदमी है आप फिर भी उसकी तारीफ़ें करते चले जा रहे हो वो गलत कार है आप फिर भी उसकी हौसला अफजाई करते चले जा रहे हो वो एक िम है और आप उसके जुल्म के बावजूद बढ़ावा देते चले जा रहे हो अब अगर आप ये तारीफ़ करते हैं हसन सलूक का मामला करते हैं आप इसकी खुशामद और तारीफें करते हैं तो जाहिर है कि ये मफाद परस्ती है ये खुद गर्जी है ये नाजायज मतलब परस्ती है ये दुनिया का कमाने का एक नुस्खा और जरिया है ये हराम है तो अब आप देखें अमल एक ही है उसमें भी मुस्कराहट इसमें भी मुस्कराहट उसके अंदर भी उसने सलूक इसमें भी उसने सलूक उसके अंदर भी मामला ये है कि आप तारीफ कर रहे हैं इसके अंदर भी आप तारीफ कर रहे हैं उसके अंदर भी आप खुशगवार चेहरा लेकर के गए यहां पर भी आप खुशगवार चेहरा लेकर गए लेकिन वो सुन्नत अंबिया है वो आला दर्जे का सदका है वो रहम का सबब है और ये नाजायज काम है हराम काम है काम एक ही है एक ही फेल है एक ही काम है लेकिन आपने देखा कि नियत के चेंज होने से वो आदत इबादत में तब्दील हो रही है और दिलचस्प नुकता नीयत की खराबी की वजह से खालिश इबादत भी अगर कोई है तो वो इबादत एक दुनिया के फेल के अंदर तब्दील हो जाती है उसके ऊपर कोई अजर स्व नहीं मिलता वो खालिश इबादत भी नाजायज और हराम का एक जरिया बन जाती है मसलन इसकी मिसाल है खुद हदीस के अंदर सरकार दो आलम वसल्लम ने बयान फरमाया और सित्ता के अंदर यह हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत वाले दिन और बड़ी यानी ख़तरनाक बात है हम सबको अपनी सलाह करनी चाहिए ये प्रोग्राम जो किया जा रहा है दरअसल ज़िंदगियों में खुशगवार इनकलाब लाने के लिए मेरे नौजवान भाइयों के जहनों के अंदर जो सवालात हों शरीयत दीन इस्लाम के बारे में जो कन्फ्यूजन हो उसको दूर किया जाए और उसके साथ साथ हम अपने अखलाक और तज़िए की सलाह करें हम अपने अक़ायद की सलाह करें फ़िक्रों की अलाह करें हम अपने दिमाग की दिल की असलाह करें तजकिया नफ्स का हम अहतमाम करें तो हदीस के अंदर सरकार दो वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई है क़यामत वाले दिन एक मुजाहिद को लाया जाएगा उससे कहा जाएगा कि तुमने दुनिया में क्या किया था वो ये कहेगा कि अल्लाह मैंने जिहाद किया था आपके रास्ते में जिहाद किया था मैंने कुर्बानी दी थी तो कहा जाएगा कि नहीं तुमने मेरे लिए कुर्बानी नहीं दी थी तुमने इसलिए ये जिहाद किया था लियोक इन्ना का शुजा लियो इन्ना का मुजाहिद ताकि दुनिया के लोग कहें कि तू बहुत बड़ा बहादुर है तू तो बड़ा मुजाहिद है क़ील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कहा जाएगा कि ये कह दिया गया जिस मकसद के लिए तूने जिहाद किया था ना तो वो मकसद हासिल हो गया कह दिया गया था तो ये दुनिया में ये बड़ा बहादुर आदमी है लिहाजा अब फरिश्तों को हुक्म होगा पकड़ो और औंधे मुँह इसको जहन्नम के अंदर डालो इसी तरह सखी लाया जाएगा और तुमने क्या किया था जी मैंने आपके रास्ते में आपकी रजा के लिए आपकी खुशनुदी हासिल करने के लिए रजाए खुदाबंदी के लिए मैंने बहुत सारा माल खर्च किया था तो अब क्या कहा जाएगा कि नहीं मेरी रजा के लिए माल नहीं खर्च किया था इसलिए किया था योकाल का सखी फ़कद कीकील ताकि कहा जाए कि तू सखी और वो कह दिया गया बात ख़त्म हो गई अब तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला लाजा आप जहन्नम के अंदर डाला जाएगा आलिम इसी तरीके से सखी मुजाहिद आलिम शहीद सबको लाया जाएगा वो तवील हदीस है जिसमें सब का तस्करा मौजूद है बड़ी ख़तरनाक बात है डरना चाहिए मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन मकसूद ये होना चाहिए कि मेरा रब राज़ी हो अल्लाह राजी हो और अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना चाहिए समझता हूँ कि आमाल की जड़ नीयत है इसीलिए सरकार दो आलम सल फरमाए इन नमल आमाल बिननी याद है जो तुम जितने भी काम करने जा रहे हो ना इन आमाल का क्या इफ़ेक्ट और क्या असर ज़ाहिर होगा वो इफ़ेक्ट और वो असर नीयत के ऊपर दारदार है डिपेंड करता है नीयत तुम्हारी कैसी थी अगर नीयत अच्छी थी तो तुमको अजर मिलेगा नीयत बुरी थी तो अब कुछ अजर ववाब मिलने वाला नहीं है आप नमाज पढ़ते हैं ताकि मोहल्ले के अंदर मशहूर हो जाए कि यह नमाजी आदमी है आप पैसा सदका करते हैं हाँ जी बात हो जाए कि ये बहुत ज़्यादा सखी आदमी है तो जाहिर है कि फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है इसका कोई अजर सवाब मिलने वाला नहीं है बेकार है और इस अमल का कोई फ़ायदा नहीं इसी बात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और तरह से भी वजाहत के साथ इरशाद फरमाया बयान फरमाया उन्हें फरमाया कि सूरत हाल ये है कि एक आदमी है वो ये काम करता है कि एक मस्जिद मस्जिद के सामने एक सरिया एक किला एक लकड़ी वो गाड़ लेता है और वो किला वो लकड़ी इसलिए गाड़ता है उसके दिमाग के अंदर ये बात है कि बाहर से कोई परदेसी कोई मुसाफिर आएगा और वो मुसाफिर अपने ऊँट पे खच्चर पे घोड़े पे गधे पे सवार होगा तो जब वो आएगा नमाज पढ़ने के लिए तो वो ये काम करता है कि मस्जिद के बाहर उसने एक किला लगा दिया एक लकड़ी एक सरिया एक बड़ा डंडा गाड़ दिया ताकि कोई भी आए तो अपनी सवारी को और उसकी रस्सी को इसके साथ बांध ले और सुकून और इतमान के साथ अंदर जा कर के इबादत कर ले नमाज़ पढ़ ले तो इसके ऊपर आप सल्ला वसल् ने फरमाया बड़ा अजर सवाब मिलेगा यकीन अजर सवाब है या नहीं हालांकि ये बाजार दुनिया का काम लगता है कि एक आदमी है वो एक लकड़ी को गाड़ रहा है बाजार तो दुनिया का काम लगता है लेकिन चूंकि नीयत ये है तो अला दर्जे सवाब अब आप वसल्लम ने इसी नीयत वाले मामले की वजाहत कर तो इर्शाद फरमाए ये नुकता वाज फरमाना चाह रहे हैं कि एक ही अमल होता है लेकिन नीयत के तब्दील होने और बदलने से उसका जजा अजाब के अंदर तब्दील हो जाता है अजाब का भी सवाब के अंदर तब्दील हो जाता है और नीयत के बदलने से अमल के असर तब्दील हो जाते हैं और साथ ही साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमाना चाह रहे हैं कि बाज औकात एक आदमी ने एक काम किया दूसरा आदमी उसके मुखालिफ करेगा एक आदमी ने एक काम किया दूसरा आदमी उसके बिल्कुल मुखालिफ काम करेगा अपोजिट काम कर रहा है मुतजाद काम कर रहा है मगर चूंकि दोनों की नीयतें अच्छी हैं तो अल्लाह ताला दोनों का तरह फरमाएंगे मसलन अब यही मिसाल है कि एक आदमी ने इस नीयत के साथ किला गाड़ा था अब एक और आदमी उसने कहा यह अजीब बात है मस्जिद के दरवाजे के ऐन करीब में ही ये किसी आदमी ने पता नहीं कौन सा आदमी था कि उस अजीब आदमी ने ये काम कर दिया कि यहाँ पर डंडा सरिया गाड़ दिया तो कोई भी अंधा कोई नाबीना ना आएगा तो शायद ठोकर लगे वो गिर जाएगा लोगों का रास्ता इस तरह से तंग हो रहा है उसने आते ही वो किला उखाड़ दिया और वो डंडा वहां से उखाड़ करके फेंक दिया अब बताइए इस आदमी ने जो ये काम किया ये इस इरादे और नीयत की बुनियाद पर किया ताकि आने वाले नमाजियों को तकलीफ ना हो लेकिन जो काम इसने किया वो काम और वो जो पहले वाला आदमी था इन दोनों के कामों में तजाद है एक ने किला गाड़ा दूसरे ने किला उखाड़ा लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह इज्जत दोनों का सवाब फरमाए हालांकि दोनों मुखालिफ थे लेकिन दोनों का सवाब इसलिए फरमाएंगे कि वो असल दारो मदार नीयत पर है आमाल आमाल का दारोमदार नीयतों पर है जो तुम अब अब यह अमल कर रहे हो कि एक किला गाड़ रहा है एक उखाड़ रहा है इसका मदार नियत पर है क्योंकि दोनों की नीयत अच्छी है इसलिए दोनों को अजर सवाब मिलेगा तो पता चला कि पहली ईंट पहली सीढ़ी पहला स्टेप तमाम के तमाम अमाल के अंदर नीयत का होता है इसकी असलाह से पूरे का पूरा अमल बेहतर और सही हो जाया करता सुबह सुभान। मुफ्ती साहब एक भाई सवाल करते हैं कि किसी काम की नीयत जो है वो शुरू में करनी चाहिए दरमियान में करनी चाहिए या आखिर में करनी चाहिए क्या वक्त बात यह है कि इस सिलसिले में नीयत का जो असल मौका है नीयत का जो असल पॉइंट है वो तो अमल के शुरू के अंदर है और अमल के शुरू के अंदर नीयत सही रखनी चाहिए अगर फ़र्ज़ करो कि शुरू में ही नियत ख़राब है नियत में फ़तूर है नियत में गड़बड़ है तो फिर वो अमल ख़राब हो जाएगा और उस अमल का अजर सवाब नहीं मिलेगा अलबत् बात काम ऐसे होते हैं अमाल ऐसे होते हैं कि उसके शुरू के अंदर आदमी तो बस वो एक रूटीन के मुताबिक एक अमल कर लेता है और कोई अलीहदा से ख़ास अजर ववाब की नीयत नहीं करता तो उस मामले में अगर वो दरमियान में भी नीयत कर लेगा या आखिर में भी नियत कर लेगा तो भी ठीक है मसलन इसकी एक मिसाल है एक आदमी है वो तवाफ कर रहा है जिक्र कर रहा है तिलावत कर रहा है अब जिक्र तिलावत तवाफ के इब्तदा में शुरू में उसको नियत कर लेनी चाहिए थी कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ या मैं ये तिलावत ये नफल नमाज या मैं ये नफली रोज़ा या मैं तवाफ़ जो कर रहा हूँ इसका मैं सवाब किसी और को पहुँचाना चाहता हूँ यानी ईसाल सवाब की नीयत तो ये काम तो उसको शुरू में कर लेना चाहिए था लेकिन वो शुरू में नहीं कर सका अब ऐसी सूरत में अगर वो दरमियान में या आखिर में भी नीयत कर लेगा तो भी ठीक है तवाफ़ कर लिया तवाफ़ करने के बाद अब वो ये नियत करता है या अल्लाह ये जो मैंने तवाफ़ किया है इसका सवाब मेरे दादा मरहूम को पहुंचा दीजिए इसका सवाब मेरे नाना नानी दादी दादा मरहूम मेरे वालदे मरहूम इन फ़र्ज़ करें उनको पहुंचा दीजिए किसी के लिए भी वो दुआ करता है नियत करता है तो ठीक है ये नियत कर सकता है फ़ाहन इसकी वजात फरमाई है कि आखिर में भी अगर वो ये नियत कर रहा है तो इसमें भी कोई हरज की बात लेकिन मुफ्ती साहब इन्होंने सवाल के अंदर ये लिखा है कि मैं पैसे देने जा रहा था मस्जिद में लेकिन उस वक्त मैंने नीयत नहीं की जब मैं पैसे वो डब्बे में डाल चुका वो रकम ज्यादा थी तो मैं बाद में ख्याल आया कि मैंने नीयत नहीं की तो अब मैं क्या करूँ हाँ तो पैसे देने के बाद भी ये नीयत कर सकता है इसमें कोई हरज की बात नहीं है।, है बाद में भी कर सकता है लेकिन एक बात जहन में रखें ये जो बात है ना कि नीयत बाद में भी की जा सकती है इसके अंदर दो बातें बड़ी वजाहत के साथ समझने की जरूरत है एक तो ये कि ये उन उनमाल के बारे में बात हो रही है कि जिनकी नीयत शुरू के अंदर करना फर्ज और वाजिब नहीं है जैसे मसला यही मिसाल है कि एक आदमी पैसा देने के लिए जा रहा है तो इसमें शुरू के अंदर कोई अलहदा से मखसूस नीयत करने का हुक्म नहीं दिया गया आप समझे बात को जैसे कि नमाज है नमाज के अंदर तो शुरू में नीयत करना लाजिम है अब अगर कोई आदमी नमाज के दरम्या में यह नीयत करे फर्ज करो कि चार रकात उसने फर्ज जहर शुरू किए और कोई नीयत नहीं की जोहर असर मगरबिशा की कोई नीयत नहीं की वो ये काम कर रहा है कि नमाज शुरू कर ली तीसरी रकात में दूसरी रकात के अंदर नीयत कर रहा है तो ये गलत होगा अब नीयत शुरू के अंदर करना लाजिम है लेकिन ये जिस तरह का मल है या जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि सदक़ा करना है या तिलावत कुरान करीम करना है या जिक्र करना है या तवाफ़ करना है तो उसमें अगरचे शुरू के अंदर कोई नीयत करना लाजिम नहीं है इसलिए अगर दरमियान में या आखिर में भी नीयत कर देगा तो भी ठीक है शर्न इसके अंदर कोई हरज का मामला नहीं है अलबत् नुकता वाजह रहना चाहिए कि अगर चे इन आमाल के अंदर शुरू में नियत करना कोई जरूरी नहीं है आखिर में भी कर सकते हैं दरमियान में भी कर सकते हैं मगर ये बात वाज रहे कि शुरू में कोई नाजायज नीयत करना जायज़ नहीं होगा आपको ये ऑप्शन तो है कि आप बाद में भी नियत कर सकते हैं दरमियान में भी कर सकते हैं आखिर में भी कर सकते हैं उन अफ में जिनमें शुरू में नियत करना लाजिम नहीं है ये ऑप्शन तो आपको शरीयत ने दिया लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप शुरू में कोई हराम और नाजायज नियत कर लें अगर आप शुरू में कोई नाजायज नीयत कर लेंगे तो फिर याद रखें कि वह पूरे का पूरा अमल ही बेकार हो जाएगा मसला इसकी मिसाल एक आदमी नमाज शुरू कर रहा है सिर्फ इस मकसद के लिए कि मैं नमाज शुरू कर रहा हूं रियाकारी के लिए मैं इन लोगों को दिखाने के लिए नमाज शुरू कर रहा हूं ताकि ये लोग मुझको देख करके मुझे अल्लाह का वली जाहिद और परहेजगार समझें सिर्फ इस नीयत के साथ ये नमाज शुरू करता है तो जाहिर है कि इस नमाज का तो कोई फायदा नहीं है ये तो नमाज अजर सवाब इसको नहीं दिलाएगी वो तो हदीस के अंदर जैसा आता है ऐसी नमाजें मुंह पे दे मारी जाएंगी तो इस नमाज का तो कोई फायदा नहीं होगा तो ये याद रखें कि वो आमाल जिनकी नीयत शुरू में करना शरण वाजिब फ़र्ज और लाजिम नहीं है उनके बारे में आपको ऑप्शन है कि चाहे आप दरमियान में करें चाहे आखिर में करें लेकिन ये बात जहन में रखें कि दरमियान या आखिर में करने की सूरत में भी ये शर्न लाजि होगा कि शुरू के अंदर कोई फासिद नीयत नहीं होनी चाहिए कम अज़ कम ये नीयत होनी चाहिए कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए मैं अल्लाह की रजा के लिए ये काम कर रहा हूँ अगर आप ये नीयत रखते हैं तो इन श्ला अजर व स्वब हासिल होगा और आप दरमियान और आखिर में भी नीयत कर सकते हैं मुफ्ती साहब इटली से एक बहन ने सवाल किया है कि मैं पहले नीयत किया करती थी जबान से तो जब मैंने सुना कि नीयत दिल के इरादे का नाम है तो उसके बाद से मैं नीयत दिल के इरादे में यानी कि सोच के तो नमाज़ शुरू कर देती थी लेकिन अब कभी कभार इस तरह होता है कि मैं नमाज़ शुरू कर देती हूँ तो नमाज़ के दरमियान में मुझे याद आता है कि मैंने नीत ही नहीं की सोचा ही नहीं तो अब क्या करूँ वेरी गुड क्वेश्चन बात यह है कि बाज़ लोगों ने ये मशहूर किया हुआ है और ये बात है कि जी नीयत तो दिल के इरादे का नाम है और ये जो हम शुरू के अंदर बाज़त मुसलमान नीयत करते हैं कि चार रक़ात नमाज फ़र्ज जहर की पीछे से इमाम के रुख में रखा शरीफ की तरफ वग़ैरह ये जो अल्फाज होते हैं तो बाज़ लोग कहते हैं कि जी ये अल्फाज तो कुरान हदीस से साबित नहीं है ये बात दुरुस्त है बे आइनी ये इबारत ये वर्ड्स ऑफ नीयत ये अल्फाज कहीं कुरान करीम में नहीं है किसी हदीस के अंदर मौजूद नहीं है नीयत वाक़ता दिल के इरादे का नाम है दिल में आपको सोचना चाहिए जिस वक्त आप अल्लाह अकबर करके नमाज शुरू करते हैं तो बस दिल में ये इरादा होना चाहिए मैं ज़ोर पढ़ रहा हूँ मैं असर पढ़ रहा हूँ ये दिल में इरादा होना चाहिए ज़ुबान से तलफ़ करना ज़ुबान से अदायगी करना ये सारा कोई वाजिब और लाजिम नहीं है ये बात जहन में रखें अलबत्ता ये बात जहन में रखें कि हज़रत फ़ुकाह कराम या वो बुज़ुर्गान दीन या वो माय कराम जो नमाज की इन किताबों के अंदर और छोटे छोटे जो औफ़ वफ़ वग़ैरह की किताबों में या जैसे बच्चों को नमाज सिखाई जाती है तो उस वक़्त ये नीयत के अल्फाज सिखा दिया करते हैं ये भी फ़ायदे से खाली नहीं है नीयत तो दिल के इरादे का नाम है लेकिन इन अल्फाज को याद करने या पढ़ने या बोल लेने से फ़ायदा ये होता है कि वो जो दिल आपका इधर उधर मसरूफ़ था उस का इस्तेजार हो जाता है नीयत का इस्तेजार हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि नीयत के ये जो अल्फाज हैं ये शरा हु तो नहीं है इंतजामी हुक्म है सही। शरी हु तो नहीं है लेकिन इंतजामी हुकम है इंतजामी हुम होने का क्या मतलब है यानी वो जो अस, असल में शरीयत के अंदर मकसूद था कि आप दिल का इरादा कर लिया करें दिल के अंदर नीयत होनी चाहिए तो ये जब आप अल्फाज बोलते हैं ना तो इन अल्फाज के बोलने से फ़ायदा क्या होता है कि दिल हाजिर हो जाता है वरना तो आप कैलकुलेशन करते हुए आ रहे हैं दुकान की बिजनेस की तिजारत की खेती बाड़ी की बाहर के कामों की और इसी तरीके से आते आते अल्लाह अकबर करके खड़े हो गए आपने सोचा ही नहीं कि भाई ये कौन सी नमाज़ में अदा कर रहा हूँ ये जहर है कि असर है ये इशा है फजर है कौन सी तो आपको ये जहन में तो उस वक्त जब आप ये जुबान से अल्फ़ाज़ बोलते हैं तो जुबान जब अल्फाज अदा करती है तो दिल का इरादा भी मुस्ताजर हो जाया करता है इसलिए दिल के इरादे को हाजिर करने के लिए अगर ये अल्फाज भी बोल दिए जाएं तो इसमें शर्म कोई हरज नहीं और ये जो इटली की बहन ने सवाल किया है ये अगर जुबान से अल्फा अदा नहीं करती सिर्फ दिल में इरादा होता है तो भी काफ़ी है और इनकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी जजाक मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन इसी के साथ आज हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है इन अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे तब तक के लिए इजाज़त अल्लाम आलैक्म वरमि